वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, माई नेम इज़ रिदा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि आप चैप्टर 6 जो है अपलोड करें, और उसके अलावा आप लोग ये तो इंटरमीडिएट पार्ट 2 है ना, तो आप पार्ट 1 की वीडियोज़ मांग रहे थे। तो मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आप उन टॉपिक्स पर सर्च करें, आप चैप्टर लिखें, आपको वो मिल जाएंगे। अलबत्त मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्ले लिस्ट बना दूँ ताकि आप लोगों को ईजिली वो मिल जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब ये वीडियो है सोशल साइकोलॉजी पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आई होप यू कैन रीड इट नाउ। सोशल साइकोलॉजी, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते कि सोशल साइकोलॉजी पे नोट लिखें। देर आर सर्टेन नीड्स इन आवर लाइफ दैट हैव टू बी फुलफिल्ड इन एनी केस एंड एट ऑल कॉस्ट। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी नीड्स होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, जिनको फुलफ़िल करना किसी भी सूरत में और किसी भी कॉस्ट पे लाजिम होता है। जिस तरह आप ले लें कि अगर आपको भूख प्यास है, उसकी शिद्दत आपके अंदर है, यानी कि आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो आपने उसको हर सूरत पे और हर कॉस्ट पे पूरा लाजमी करना है। वी कैन नॉट डू विदाउट हैविंग सेटिस्फाइड दीज नीड्स। हम इन नीड्स को सेटिस्फाई किए बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते। There are also certain needs of ours, the non-satisfaction of which possess no threat. वो कहते हैं कुछ needs ऐसी होती हैं कि अगर आप उनको पूरा ना करें तो कोई आपको यानी कि threat नहीं होता, कोई आपको कह लें कि नुकसान उसका नहीं होता। To our survival, आपके survival पे, but renders our life insipid. लेकिन हाँ, वो आपकी life को जो है वो मुतासर लाजमी कर सकता है। These are called secondary needs. इनको हम कहते हैं secondary needs. Similarly, we are in need of people. इसी तरह वो कहते हैं कि हमें need है, ज़रूरत है लोगों की. But some of them are so important to us that we find it next to impossible to live without them. लेकिन उनमें से कुछ इतने important होते हैं कि अगर उनके बगैर आप ज़िंदगी तसव्वुर करें तो आप वो तसव्वुर नहीं कर पाएंगे. There are certain people who fill our life with pleasure and comfort. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आते हैं, कम्फर्ट लेकर आते हैं। पार्टिंग फ्राम सच पीपल अफेक्ट्स आवर लाइफ। अगर हम उन लोगों से दूर हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। और रिलेशनशिप्स विद दीज पीपल आर कॉल्ड सोशल रिलेशनशिप्स। ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो कहलाते हैं सोशल रिलेशनशिप्स। फिर आगे है, थ्रू द नेचर ऑफ दीज सोशल रिलेशनशिप्स मे बी डिफरेंट। वो कहते हैं कि हो सकता है ये सारे जो हैं यानी कि इन लोगों के साथ जो हमारे ताल्लुक आते हैं वो सोशल रिलेशनशिप हैं, लेकिन ये सोशल रिलेशंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल अदर देन आवर फैमिली मेम्बर्स आर नॉट ओनली इंक्लूडेड इन आवर सोशल लाइफ। आई एम जस्ट एडजस्टिंग द कैमरा, गिव मी अ मिनट। ओके, A number of people other than our family members are not only included in our social life but also affected. वो कहते हैं हमारे family members जो होते हैं उनमें से कुछ लोग आप ले लें, वो ना सिर्फ आपकी social life में include होते हैं बल्कि उसको बहुत ज़्यादा मुतासर भी करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा affect करते हैं। The fulfillment of many of our desires, wishes, needs and ambitions is associated with other people. हमारे डिज़ायर्स, हमारी विशेस, हमारी नीड्स, हमारे एम्बिशंस जो हैं वो बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात जो है वो एसोसिएट होते हैं, उनका ताल्लुक होता है फुलफ़िलमेंट से, सॉरी उनकी फुलफ़िलमेंट इन सारे डिज़ायर्स की फुलफ़िलमेंट का ताल्लुक होता है दूसरे लोगों से। जिस तरह आप देखें कि अगर बाज़ औक़ात जो है कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हो सकता है उसका अपना जहन डॉक्टर बनने की तरफ इतना ना हो जितना कि उसके पेरेंट्स ने उसको कहा हो। तो आपके जो सोशल रिलेशन है उसमें कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि आपके डिज़ायर की फुलफ़िलमेंट जो है वो आपके डायरेक्टली उन रिलेशन से लिंक होती है। दीज पीपल स्मूथ आवर पाथ एंड समटाइम्स क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन आवर वे। अब ये जो है ना किसी को बहुत ज़्यादा पावर देने वाली बात है अपनी लाइफ में, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है कि हो सकता है वो बंदा आपको एक अच्छी राह पर गामजन कर रहा हो, और दूसरा ये हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह कि अगर आपकी लाइफ में बुरी सोहबत है, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, तो आपको ड्रग एडिक्शन और इन सब चीज़ों की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी लेकर आ सकती है और साथ में आपके पाथ को स्मूथ भी कर सकती है।
These very people help us, cooperate with us and lend us economic, moral, financial and material assistance. ये जो लोग हैं हमारी हेल्प करते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हमारे फाइनेंशियल, मोरल, इकोनॉमिक, मटेरियल जो भी असिस्टेंस है उसके अंदर हमारी मदद करते हैं। इफ वी एनालाइज वेरियस, अच्छा मोरल में यानी कि आप ले लेंगे नसीहत वगैरह, फाइनेंशियल में आप ले लेंगे आपके पैसे जैसे आपके वालिदैन जो हैं आपको पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद मटेरियल आपके पास बुक्स हैं, आपके पास लिखने के लिए पेंस हैं, पेंसिल्स हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए आपके पास मोबाइल है, ये सारी चीज़ें मटेरियल आ जाती हैं। और फिर आप देखिए एक और वर्ड था इकोनॉमिक, अब माशरे में आपकी जो भी है यानी कि स्टेटस आप कह लें तो वो आपके पेरेंट्स से ही आपको मिला ना, तो वो फिर इसके अंदर जो है ये लोग जो हैं वो कह लें कि आ जाएंगे कि ये आपको प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिकल, मोरल, फाइनेंशियल एंड मटेरियल असिस्टेंस। इफ़ वी एनालाइज वेरियस मैटर्स, प्लान्स, डिसीजंस एंड चॉइस ऑफ आवर लाइफ, वो कहते हैं कि अगर हम एनालाइज करें, तज्जिया करें वेरियस मैटर्स का, प्लान्स का, डिसीजंस का और हमारी ज़िंदगी में जो जॉय है, खुशी है उसका, वी शैल रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट दीज पीपल आर टू अस। तो आपको एहसास होगा कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पॉर्टेंस रखते हैं एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर अस टू लिव विदाउट दम, और हमारे लिए कितना मुश्किल होगा कि हम इन लोगों के बगैर रहें। सपोज करें कि अगर आपके वालिदैन ना हो तो आपके लाइफ में कितनी मुश्किलात आएंगी, या कोई सर्टन पर्सन ले लें, अगर आप मैरिड हैं तो आपका अगर लाइफ पार्टनर ना हो, या एक कोई बहुत खास दोस्त है अगर वो ना हो जिससे आप हर बात शेयर कर लेते हैं, तो अगर वो ना हो तो आपकी लाइफ किस तरह मुतासिर होगी। तो ऐसे जो लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और वो आपके जॉय में, आपकी खुशी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। अरिस्टोटल सेड मैन इज़ अ सोशल एनिमल, अरिस्टोटल ने कहा था कि इंसान एक सोशल एनिमल है, ही कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, बिकॉज लॉनलीनेस इज अ स्कॉर्च, लॉनलीनेस कह लें कि एक स्कॉर्च है, द एगनी ऑफ लॉनलीनेस कैन बी जस्ट बाय द फैक्ट व्हेन इट कम्स टू अवॉर्डिंग हार्श पनिशमेंट्स टू क्रिमिनल्स। वो कहते हैं कि ये जो कह लें कि अकेलापन है ना, ये जब सजा दी जाती है क्रिमिनल्स वगैरह को तो उनको बाज़ औक़ात ये भी सजा दी जाती है कि उनको अकेले रहने दिया जाता है, दे आर सेंटेंस टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उनको सॉलिटरी यानी कि अकेला कन्फाइन कर दिया जाता है, अकेली जगह पर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इंसान वाकई एक सोशल एनिमल है, उसको दूसरों से इंट्रैक्ट करना और दूसरों से बातें करना। आप देखें कि आपकी फैमिली में बेशक जो है कहेंगे इतने मेंबर्स ना हो, लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं ना वो घर आने के बाद एक दूसरे को बताएंगे आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़ है कि हमने लाजमी जो है अपना दिन जो है वो दूसरों को बताना होता है। कोई अच्छी वीडियो देखी हो तो साथ ही घर वालों को दिखानी है, या कोई बात हुई हो स्कूल में या आप जहाँ पर वर्क करते हैं तो लाजमी आगे घर पर बतानी है आज ये हुआ या मैंने ये किया या मुझे इसने ये कहा। तो हमारे अंदर ही एक चीज़ जो अल्लाह पाक की तरफ से है कि हमें अपनी बातों को दूसरों के अंदर, दूसरों को बताना जो है ना, ये हमारे अंदर एक नेचुरल कह लें कि इंस्टिंक्ट है। फिर उसके बाद है कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स केम इनटू बीइंग व्हेन ह्यूमन बीइंग्स बिगेन टू लिव टुगेदर ऑन द अर्थ। वो कहते हैं इंसान ने जब ज़मीन पर रहना शुरू किया तो कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स यानी कि कबीले बनना शुरू हो गए, थस और सोशल लाइफ बिगेन, और फिर इंसान की समाजी लाइफ शुरू हो गई। द बिगनिंग ऑफ सोशल लाइफ फैसिलिटेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, बट द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आल्सो गेव राइज टू कॉम्प्लिकेशन एट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल। वो कहते हैं कि इसके साथ साथ बट द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है, तो इससे क्या हुआ, कॉम्प्लिकेशन में भी इजाफा होने लग गया। सोशल प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड अप, जहाँ सोशल लाइफ निकली वहीं सोशल प्रॉब्लम्स भी निकल आई। सोशल इंस्टीट्यूशन फार्मुलेटेड देयर रिस्पेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने जो है जो भी उनको मसला था उसको सॉल्व करने की कोशिश की और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने रूल्स वगैरह बनाए। आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। आगे हम यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप, सोशल इंस्टीट्यूशन फार्मुलेटेड देयर रिस्पेक्टिव रूल एंड रेगुलेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। आगे इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बींग रिलेटेड टू दीज इंस्टीट्यूशन द इंडिविजुअल हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज बाय दीज इंस्टीट्यूशन। अब आगे क्या हुआ, अब जब रूल्स बना लिए गए तो उसमें एक चीज़ लाजिम और मलजूम कर दी गई कि अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए उस
समाज के जो लोग हैं इंडिविजुअल्स हैं उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. दीज रिस्ट्रिक्शंस आर मेंट टू सेव गार्ड द इंडिविजुअल्स फ्रीडम. अब ये क्यों बनाए गए थे? ताकि इंसान की जो फ्रीडम है उसकी हिफाजत की जाए. अब मकसद तो ये था, लेकिन बाज़ूकात क्या होता है कि कुछ कह लें कि पहले से चलते आ रहे जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो अब के ज़माने में ना चल रहे हो तो वो फ्रीडम की सेफ गार्ड नहीं करते बल्कि फ्रीडम के लिए ताला बन जाते हैं. आगे साइकोलॉजी स्टडीज मैन इन रिलेशन टू हिज एनवायरमेंट, वेयर एज सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स. साइकोलॉजी जो है स्टडी करती है इंसान को इन रिलेशन टू हिज एनवायरमेंट, उसकी एनवायरमेंट से लिंक करके. वेयर सोशियोलॉजी, अगर आप सोशियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, सोशियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशली सारा कुछ, इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स. इंसान के ग्रुप के फंक्शन क्या है, यानी कि ग्रो है उसका फंक्शन क्या है. अब ग्रो से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि बिल्कुल एक ग्रो हो चंद बच्चे बैठे हुए, नो, इट मींस कोई कबीला वगैरह, कोई खास कम्युनिटी, कि उसका फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है. सोशियोलॉजी स्टडीज मैन विद रेफरेंस टू सोसाइटी. सोशियोलॉजी में आप इंसान को स्टडी करते हैं उसकी सोसाइटी से, उसको लिंक करके. The combination of both these sciences gave birth to a new branch called social psychology. अब इन दोनों ये साइंस जो है इसका जो combination था, combination of both these sciences, किसका, society का और man का, इन दोनों के relation को जब हमने study किया तो एक नई branch बन गई जिसको हमने कहा social psychology. Sorry, इंसान का और psychology का relation. फिर आ गया social psychology. सोशल साइकोलॉजी डील्स विद द इंडिविजुअल एज वेल एज अ सोशल कंटेक्स्ट ऑफ मैन. सोशल साइकोलॉजी इंडिविजुअल को भी स्टडी करती है और उसके सोशल कंटेक्स्ट को भी, यानी कि उसके कहने के माशरे में जो उसका ताल्लुक है, जो उसका असर है, जो भी वो कह रहे हैं उसको वो स्टडी करती है. इट हैज़ बीन डिफाइंड इन अ वराइटी ऑफ वेज इन ऑफर सम ऑफ आर एस फॉलोज, जिसमें से कुछ जो है वो यहाँ आगे बयान किए गए. अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ क्या कहते हैं कि इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी इंसान की नीड्स होती हैं, कुछ के बगैर वो रह सकता है, कुछ के बगैर नहीं रह सकता, जो जिनके बगैर रहा जा सकता है वो सेकेंडरी नीड्स हैं. फिर उन्होंने आके आपको बताया कि ये महज इसके अंदर याद करने वाला कुछ भी नहीं है, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सारा. फिर उन्होंने बताया कि इंसान को अरिस्टोटल ने कहा है कि वो एक सोशल एनिमल है, और फिर उसको उन्होंने लिंक करके बताया कि इंसान के अंदर ये हुटेक होती थी, उसने अपनी बातें जो है वो दूसरों तक पहुंचानी, और फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि एक सज़ा भी है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो कि क्रिमिनल्स को दी जाती, जो कि इस बात का प्रूफ है कि हमारे लिए सोशली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं हैं तो आपके कुछ लोग इस तरह के होंगे जिनसे आप अपनी बातें शेयर करते होंगे. फिर आगे आप आ जाएं, उन्होंने कहा कि कम्युनिटी और ट्राइब्स वगैरह जो हैं जब बने, जब इंसान ने ज़िंदगी शुरू की तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी आने लगे, जब सोशल लाइफ शुरू हुई, और फिर उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए ताकि इंसान की फ्रीडम का सेफ गार्ड किया जा सके. फिर आगे उन्होंने मज़ीद बताया कि हमने जो है वो इंसान को और जो उसका सोशली एक कहें कि ताल्लुक है सोसाइटी में, उसको हमने जब मिलाकर स्टडी किया तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली जब हमने स्टडी किया तो एक नई ब्रांच बन गई सोशल साइकोलॉजी. आगे वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो जो भी चीज़ें आती हैं, इट हैज़ बीन डिफाइंड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, यानी कि इसको हमने वैरायटी ऑफ वेज में डिफाइन किया सोशल साइकोलॉजी को, जिसको हम आगे बयान करने लगे. अब आगे देखते हैं, जस्ट वन मिनट गाइस. ओके, ई रोज डिस्क्राइब सोशल साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियरल एपिसोड्स ऑफ अ मैन सोशल लाइफ. ई रोज का ये मानना है कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है ऑफ द बिहेवियरल एपिसोड्स, बिहेवियरल एपिसोड की ऑफ मैन सोशल लाइफ. बिहेवियरल एपिसोड का यहाँ पे मतलब है जिस टाइम ड्रामा देखते हैं पहले एपिसोड में ये हुआ, यानी कि कहानी जो है वो एपिसोड के जरिए आगे चलती जाती है, पहले में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में ये हुआ. तो उसी तरह जब आप इंसान को उसकी सोशल लाइफ में एपिसोड की तरह देखते हैं कि अच्छा पहले जब वो छोटा था तब ये होता था, फिर बड़ा हुआ तो उसने ये किया, फिर ये किया, ऐसा ऐसा उसने तरक्की की, और ये जो है हम सोशली उसका सारा देखते हैं.
अब आप देखेंगे, अगर सपोज करें एक पार्टी है, वहां पे कोई बंदा जो है वो एक डॉन टाइप बन के बैठा हुआ है जी, और सबको पता है जी इस पार्टी का शेर यही है। तो अब वो पैदा होते साथ ही उस जगह पे नहीं ना आ गया था, उसके पीछे बकायदा एपिसोड्स हैं कि उसने अपने सर्कमस्टांसेस से क्या सीखा, कैसे एक्सपीरियंस गेन किया, और कैसे वो उन एक्सपीरियंस को गेन करते करते अपनी जहानत का यूज़ करते हुए वो उस मुकाम पे पहुंच गया। तो ये जो है इन एपिसोड्स की स्टडी, वो क्या है? सोशल साइकोलॉजी। आगे, अकॉर्डिंग टू न्यूकॉम, सोशल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द इंडिविजुअल्स बिहेवियर, एटीट्यूड, बिलीफ एंड एक्सपीरियंस इन एनी ग्रुप। वो कहते हैं आगे, मजीद वही बात है लेकिन मुख्तलिफ दूसरे अल्फाज में उन्होंने कहा है। न्यूकॉम का ये कहना है, न्यूकॉम नहीं कहूंगी, न्यूकॉम का ये कहना है सोशल साइकोलॉजी जो है इसके अंदर इंडिविजुअल के बिहेवियर को आप स्टडी करते हैं, उसके एटीट्यूड को आप स्टडी करते हैं, बिलीव्स को आप स्टडी करते हैं कि वो क्या बात है, उसकी बिलीव्स क्या है, उसका ईमान क्या है, और उसके एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप। किम्बल जंग ऑफाइंस दैट सोशल साइकोलॉजी डील्स विद द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। किम्बल जंग का, किम्बल जवान जो है, किम्बल जंग ऑफाइंस दैट सोशल साइकोलॉजी डील्स विद द म्यूचुअल इंटरेक्शन, कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो डील्स करती है इसके अंदर क्या है, म्यूचुअल इंटरेक्शन, इंसान की जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है, आपस का जो ताल्लुक होता है, आपस में जो वो इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, उसकी स्टडी को हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। अब इसके अंदर बिहेवियर भी आ सकता है, बिलीफ भी आ सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी आ सकता है, जो कि डेट वन हैज़ इन इंटरेक्शन विद अदर्स फॉल अंडर इट्स स्कोप, जो कि आप इंटरेक्शन से हासिल करते हो। फिर आगे है लिंड्सली, इसका नाम तो मुझे लग रहा है लिजर्ट। लिंड्सली इज ऑफ द व्यू डेट सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ मैन थिंक्स, परसीव एंड फील द एक्चुअल एंड इमेजिन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। लिंड्सली का ये मानना है कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे चीज़ों को परसीव करता है और क्या फील करता है, द एक्चुअल एंड इमेजिन प्रेजेंस ऑफ अदर, एक्चुअल और इमेजिन प्रेजेंस दूसरों की। इमेजिन प्रेजेंस में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई डर हो, आप इंसान को लग रहा हो मैंने अगर उस तरफ करवट ली है तो पीछे कोई मॉन्स्टर मेरे खड़ा हुआ है और बस वो मुझ पर हमला करने लगे, ये चीज़ आ गई। फिर आगे है कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, सोशल साइकोलॉजी रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर इन हिज सोशल बैकग्राउंड। सोशल साइकोलॉजी जो है उसमें मुराद है ऑर्गेनाइज स्टडी इंडिविजुअल की थॉट्स की, फीलिंग की, बिहेवियर की सोशल बैकग्राउंड में, मतलब आपने सोसाइटी का वर्डिंग छोड़ना, बस सोशल सोशल इसके अंदर आ रहा है। साइंटिफिक स्टडी लेट अस नो हाउ द इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। सोशल साइकोलॉजी के जरिए या इसके जरिए आपको ये पता चलता है कि इंडिविजुअल हिमसेल्फ यानी कि इंडिविजुअल खुद किस तरह मुतासिर होता है दूसरों की सोच से, दूसरों की फीलिंग्स से, दूसरों के बिहेवियर से, और हाउ इट इन्फ्लुएंसेस अदर पीपल, और सॉरी हाउ ही इन्फ्लुएंसेस अदर पीपल, और वो किस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। डैट इज़ वाई, इसी वजह से इट इज़ कॉल्ड अ साइंस ऑफ इंडिविजुअल सोशल बिहेवियर, इसको साइंस ऑफ द इंडिविजुअल सोशल बिहेवियर भी कहा जाता है। आपको MCQs आ सकता है, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ द इंडिविजुअल सोशल बिहेवियर, तो आपको ऑप्शन जो हैं वो दी गई होंगी, जिसमें एक होगा सोशल साइकोलॉजी। फिर आ गया सोशल इंटरेक्शन, वैसे ये जो अगला टॉपिक है ना, अच्छा जो नीचे टॉपिक है ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा रीड कर लेते हैं और फिर वीडियो को हम ख़त्म कर लेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सोशल साइकोलॉजी, सोशल इंटरेक्शन, सोशल साइकोलॉजी स्टडीज, सोशल साइकोलॉजी स्टडी करती है सोशल इंटरेक्शन को इंडिविजुअल की। सोशल इंटरेक्शन रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और मोर। सोशल इंटरेक्शन जो है उससे मुराद ये है कि दो इंडिविजुअल या इससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स का आपस का ताल्लुक। दिस इंटरेक्शन में टेक मेनी फॉर्म सच एज इंटरेक्शन बिटवीन वन इंडिविजुअल एंड अदर। इसके काफ़ी फॉर्म्स हो सकते हैं, जिस तरह दो आदमी आपस में बात करें, बिटवीन द इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप, एक इंडिविजुअल है और दूसरी तरफ एक ग्रुप है, या फिर दो ग्रुप आपस में बातें कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिहेवियर।
प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, दूसरे इंडिविजुअल्स की प्रेजेंस जो है एक पर्सन की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है कि जब बच्चों को कोई ड्रामा वगैरह दिखाया जाए, स्पेशली इन ग्रोइंग एज में, सपोज करें कि वही कोई चलता होता था पृथ्वीराज का ड्रामा और महाराणा प्रताप का, तो अक्सर उस दौरान जो है ना बच्चे तलवार लेके, वो एक प्लास्टिक की तलवार मिलती थी और वो उन्होंने इमेजिन करना कि जी हम जो है वो महाराणा प्रताप हैं या फिर पृथ्वीराज हैं, और फिर इमेजिनरी दुश्मनों से लड़ाई करनी। तो ये है कि किसी दूसरे इंडिविजुअल का या किसी दूसरे ग्रुप का एक इंडिविजुअल पे, एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। द स्कोप ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेक्शन हैज़ वाइडेंड अ लॉट इन द प्रेजेंट एज बिकॉज ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो इंटरेक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरह अभी मैंने एग्जाम्पल दी, तो वो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हम उससे फिजिकली मिले हों, बल्कि हमने टीवी पे देखा और फिर हम उसी को देख के वहाँ से इन्फ्लुएंस हो गए। तो आजकल के दौर की वजह से, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, ये जो कह लें कि इसका दायरा है वो वसी हो गया है। आगे है, नाउ कल्चरल एंड नेचुरल बैकग्राउंड हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। कल्चरल और नेचुरल बैकग्राउंड भी जो है वो सोशल इंटरेक्शन का पार्ट है। By virtue of communication satellites, distance have shortened in the present advanced age. The whole part has turned into a global village. These satellites instantly transmit all across the globe information concerning all type of issues such as later scientific breakthroughs, invention, political and non-political development, etc. अब वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, बहुत शॉर्ट हो गए हैं, वर्ल्ड ट्रैवल ग्लोबल विलेज बन गया है। सैटेलाइट्स वगैरह जो हैं, इन्फॉर्मेशन कहीं भी हो उसको ग्लोबली जो है वो पूरी दुनिया में फैला देते हैं। दिस इंस्टेंट एंड लाइव ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज़ इंचैंट्स व्यूअर्स एंड लिसनर। अब इससे क्या होता है कि ये जो खबरें पूरी फैलती हैं उससे व्यूअर्स और लिसनर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। थस इंटरकल्चरल इंटरेक्शन बिगेंस टू टेक प्लेस, जिससे क्या है, इंटरकल्चरल यानी कि दूसरे कल्चर्स में क्या हो रहा है वो भी आपको पता चलता है, अपने कल्चर के बारे में भी आपको मजीद पता चलता है। स्पेशली व्हेन द इनहेबिटेंट ऑफ वन कंट्री वॉच प्रोग्राम एंड प्लेस बेस्ड ऑन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ अदर कंट्रीज। स्पेशली जब कि एक इंडिविजुअल, सपोज करें पाकिस्तान या इंडिया का है, तो वो कोरिया और उसके अलावा अमेरिकन ड्रामास वगैरह देख के उनके कल्चर से मुतासर होता है, उसको उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। स्पेशली BTS, दे आर इनएविटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, और वो इनएविटेबली यानी कि यकीनी तौर पे वो फिर उनसे इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं। फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी वी नाउ स्टडी। अब सारा उन्होंने घूम घुमा के बताया है कि जी आप जो मर्जी कर लें, जहाँ भी रहते हो, जिस दौर में भी रहते हो, उस दौर के मुताबिक जो भी होगा आप जो है वो दूसरों से, दूसरी ग्रुप से, दूसरे की रस्म व रिवाज से आप लाजमी तौर पर मुतासर होंगे। अब आगे जो है उन्होंने बताया किसी की इसी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी जो है वो सोशल साइकोलॉजी। आगे इसका सही टॉपिक जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी एंड होपफुली कल मैं वीडियो डाल दूंगी। सो फॉर नाउ गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।